द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर रेटिंग वेबसाइट IMDb पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल वेबसाइट पर फिल्म की रेटिंग 10 में से 9.9 थी, जिसे अब बदलाव करके उसे घटाकर 8.3 कर दिया गया है। फिल्म की रेटिंग में हुए इस बदलाव से दर्शक से लेकर फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर तक हैरान है। हालांकि फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की जमकर तारीफ भी हो रही है। आपको बता दें कि 2,00,000 वोट्स के साथ फिल्म को 8.3 रेटिंग, वहीं 94% के साथ फिल्म को 10 रेटिंग दी है, तो 4% लोगों ने इसे 1 रेटिंग दी है। वहीं फिल्म की रेटिंग बदले जाने को लेकर निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट के जरिए नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि यह असामान्य और अनैतिक है। वहीं कंपनी ने भी फिल्म की रेटिंग बदले जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंपनी ने कहा, हमारे रेटिंग मैकेनिज्म ने इस टाइटल पर संदेहास्पद गतिविधि पाई है। हमारे रेटिंग सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक अन्य मापदंड को लागू किया गया है। IMDb रॉ डेटा के बजाय भारी वोट एवरेज प्रकाशित करता है। आसान भाषा में कहें तो हम यूजर्स के सभी वोट्स स्वीकार करते हैं। फाइनल रेटिंग पर इन सभी वोट्स का एक प्रभाव नहीं होता है। जब कोई असामान्य गतिविधि पाई जाती है तो सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दूसरा रेटिंग मापदंड लागू किया जाता है। हम अपने रेटिंग मैकेनिज्म को प्रभावी बनाए रखने के लिए रेटिंग की प्रक्रिया का खुलासा नहीं करते हैं। वहीं अब बात आती है IMDb क्या है और इस पर रेटिंग कैसे तय होती है। आपको बता दें कि IMDb एक पब्लिक वेबसाइट है जिसका मालिकाना हक Amazon के पास है। इस वेबसाइट पर कोई भी फिल्मों का शौकीन रखने वाला व्यक्ति अपना अकाउंट बना सकता है। IMDb पर हर फिल्म की जानकारी मौजूद होती है। इसी में से एक फिल्म की रेटिंग की जानकारी का विकल्प मौजूद होता है। अब बात आती है कि IMDb पर रेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल अगर वेबसाइट पर फिल्म को 7 या उससे अधिक रेटिंग मिली है तो माना जाता है बहुत बड़े दर्शक वर्ग ने इस फिल्म को पसंद किया है, और अगर रेटिंग कम है या 4 है उससे भी नीचे है तो फिल्म को फ्लॉप माना जाता है। हालांकि हर मामले में फिल्म की रेटिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके पीछे असल वजह हो सकती है कि एक फिल्म को कितने लोगों ने वोट किया है। अगर किसी फिल्म IMDb पर कुछ चंद लोगों ने रेटिंग दी है तो उसे इस लिहाज से फ्लॉप नहीं माना जा सकता। अगर किसी फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखकर रेटिंग दी है तो उस फिल्म की विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उस मामले में अधिक लोगों ने फिल्म को कम या ज्यादा रेटिंग दी होगी। ऐसे में IMDb द्वारा द कश्मीर फाइल्स को दी गई रेटिंग कई सवालिया निशान खड़े करती है।